तो इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट करके छोड़ दी क्योंकि ब्लॉग भी बनाना तो जरूरी है। तो सिंपल ही बना रही हूँ, जैसे बनता है आलू का, ऐसे छोटा छोटा आलू काट ली, देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं घोल रही हूँ ये बेसन, और बेसन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसन है और थोड़ा सा चावल का आटा है और हल्दी नमक और सबको ऐसे बूंदी की तरह पैन में बिछा दी, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं सबको बिछा दी, पूरा पैन मेरा फुल हो गया देखिए, और इतना बैटर भी बच गया। तो अब तो मैं नहीं बनाऊंगी, इतना ही हो जाएगा, दोनों बच्चे खा लेंगे, एक दो मैं खा लूंगी। और देखिए तेल कितना कम रखी हूँ, तो इसको होने देती हूँ फ्राई, तब तक मैं और इसको फ्राई होने देती हूँ, तब तक मैं झाड़ू उड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आलू है तो पकने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं गैस को भी थोड़ा सिम कर दी हूँ। तो चलिए मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ, उसको दिखाऊंगी जब बन जाएगा तो। और पता नहीं मेरा पेट थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, एसिडिटी टाइप का हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गया और खूब क्रिस्पी भी हुआ है। तो चलिए मैं देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। यहाँ पे मैं दाल को भी गर्म कर दी और यहाँ पे चावल भी रख दी दोनों के लिए, और मैं इसको भी रख के देती हूँ उनको खाने के लिए, भूख लग गया है। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं उस टाइम मिलने के बाद अभी मिल रही हूँ, और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। और उस टाइम नाश्ता उश्ता करने के बाद मैं काम उम की, और काम उम करने के बाद थोड़ा देर बेड पर लेट गई, क्योंकि दिन भर काम करते करते हम थक जाते हैं, अपने लिए भी तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी बज रहा है 6:30, अब देखिए खाना बनाने का भी टाइम हो गया। मेरा फेस कितना बड़ा लग रहा है, इतना फूला फूला टाइप का तो इतना बड़ा तो मेरा फेस तो है नहीं, लेकिन लगता बहुत बड़ा है देखिए। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को सोची कि एंड भी कर दूँ, छोटा छोटा ही क्लिप बनाई हूँ। और अभी खाने में बनाऊंगी मैं जो वही हरा मटर का घुघनी होता है, घुघनी, और सिंपल सादा रोटी बनेगा। तो कितनी बार मैं शेयर कर दी हूँ, तो आज मैं नहीं शेयर करूंगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, कान पकड़ के सॉरी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक का रखती हूँ, और इससे ज़्यादा ब्लॉग करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या है ना कि देखिए ब्लॉग छोटा बनाने का एक रीज़न ये है कि जो मेरा बेटा है छोटा वाला, उसका जो अभी स्कूल का टाइम है थोड़ा जल्दी हो गया है, 8 बजे, मतलब सुबह में वो 8 बजे स्कूल जाता है, तो उतने देर में उसको पढ़ना भी रहता है, ब्लॉग भी एडिटिंग करके डालना रहता है। तो मैं छोटा छोटा बनाती हूँ कि उसको डालने में भी इजी हो और आप लोगों को देखने में भी इजी हो और ब्लॉग भी मेरा चला जाए, क्योंकि अभी थोड़ा बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं इसी वजह से उस पर मैं मतलब ज़्यादा लोड नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू होता रहे और उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और एडजस्ट तो कर लीजिएगा वो तो ठीक ही है, लेकिन सपोर्ट तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं हम लोग का ब्लॉग कैसा जा रहा है, कैसा बन रहा है, ना कोई कॉमेंट करते हैं, ना थोड़ा सा भी लाइक करते हैं, और व्यू तो बिल्कुल भी नहीं आता है। पता नहीं, बोलते हैं ना कि मेहनत करते जाओ उसका फल कब तक मिलेगा, देख रहे हैं कि हमारे नसीब में भी यूट्यूबर बनना लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर से बंद करना पड़ेगा इस चैनल को, ये मुझे खुद मालूम नहीं है। और ये आप ही लोगों के प्यार की वजह से ये चैनल चल रहा है, और 500 सब्सक्राइबर जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड है वो मेरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन और पता नहीं कब तक पूरे होंगे, तो देखते हैं कब तक क्या होता है। आप लोग की सपोर्ट के बिना तो ये कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और हमें भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। तब मतलब होता है ना कि किसी चीज़ का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो उसको हम मतलब हमें करने में भी उसका एक मज़ा, एक मतलब दूसरा फील रहता है। और ऐसे पता है कि मैं तो कितने दिन से ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं
आएगा तो मैं भी थोड़ा मायूस हो जाऊंगी। तो यही सब सोच के क्या करें। तो चलिए मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।